ममता जी ने कहा है कि जो बांग्लादेश में हो रहा है तो वो अपने दरवाजे खुले रखेंगी और किसी को भी बंगाल में आने देंगी। बांग्लादेश के लोग हमारे दरवाजे खटखटाएंगे तो जरूर शरण देंगे। आज के अखबार में भी ममता विल गिव शेल्टर इफ एनीवन फ्रॉम बांग्लादेश नॉक्स ऑन आवर डोर। ममता जी आप वही हैं जिन्होंने सीएए के बारे में कहा था कि हम किसी भी हिंदू सिख पारसी या क्रिश्चियन शरणार्थी को जो हिंसा से पीड़ित होकर बंगाल में आएंगे उनको घुसने नहीं देंगी। ममता जी ने सीएए का हमेशा विरोध किया है जबकि सीएए का कोई संबंध भारत के नागरिकों से बिल्कुल नहीं था, क्या हिंदू क्या मुस्लिम। तो एक तरफ जो अल्पसंख्यक हिंदू या क्रिश्चियन या सिख या पारसी चाहे बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो अफगानिस्तान हो वहां अपने आस्था के कारण विक्टिमाइज होते हैं पीड़ित होते हैं उनको स्थान नहीं देंगी। और आज कह रही है कि जो भी आएगा उनको हम बसाएंगे, इसका मतलब क्या है। दूसरी बात, बार बार ममता जी और अखिलेश यादव भी थे और राहुल गांधी ये संविधान संविधान की बात करते हैं। संविधान में आपको यह अधिकार है क्या? यह अधिकार भारत सरकार का है, केंद्र सरकार का है। आप भी केंद्र में मंत्री रही हैं। दिस पावर डज नॉट बिलोंग टू द स्टेट गवर्नमेंट एट ऑल। किसको नागरिकता देनी, किसको बसाना, किसको नहीं बसाना। और ममता जी को मैं थोड़ा याद दिलाना चाहूंगा, 71 का वॉर हुआ था तो उस समय भी तत्कालीन केंद्र सरकार ने फैसला किया था कि जो विस्थापित आए थे उनको हम बसाएंगे क्योंकि वहां विक्टिमाइज हो रहे थे। बांग्लादेश का इंटरनल मैटर है, सेटल हो जाए हम सभी इसका आग्रह करेंगे, हमें उसमें नहीं पड़ना है। लेकिन एक मुख्यमंत्री सीधा घोषणा करे इसका मतलब क्या है? क्या भारत की एकता को तोड़ना चाहती हैं आप? उनके ये भी स्वर निकले कि बंगाल का रिलेशन हिंदुस्तान के साथ अच्छा हो, इसका क्या मतलब है? ममता जी, आई वुड लाइक टू आस्क यू, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? जिस बंगाल ने रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस ऐसे महान, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ऐसे लोगों को की जननी है, देश में अलग जगाई, तो आप कहते हैं रिलेशन हम अच्छा करेंगे? आपका ये वक्तव्य भर्सना योग्य है और बहुत ही गैर जिम्मेदारना है ममता जी। इसका शुद्ध और शुद्ध लक्ष्य है जिस तरीके से बंगाल की डेमोग्राफी बदल रही है उसको जस्टिफाई करने के लिए एक कारण ढूंढना। आपको मालूम है जब भारत आजाद हुआ था सिर्फ 3 जिले मुस्लिम बहुल थे, अब बंगाल के 9 जिले मुस्लिम बहुल हो गए। लेटेस्ट स्टडी जो आई है इवन कलकत्ता का डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है। मैं स्वयं बंगाल कई बार मैंने दौरा किया है, मैंने देखा है जिले जिले आजकल बांग्लादेशी घुसपैठियों से रोहिंग्या से भरे हुए हैं, कोई चिंता नहीं है देश की सुरक्षा की। और याद होगा एनआईए की प्रोब में आया है कई आतंकवादी घटनाओं के
जो मुख्य अभियुक्त या कॉन्स्पिरेटर्स होते हैं उनको कहां संरक्षण मिलता है, तो बंगाल में मिलता है। आपने देखा होगा, उनको गिरफ्तार करने में दिक्कत हुई, बहुत परेशानी हुई,